ये आवाज कैसी थी? पता नहीं। जग्गू, बेटा। पापा? तू ठीक है बेटा? जग्गू, तू ठीक है ना? मौसी, बाबा, तुम लोग यहाँ कैसे? यहाँ मिलने देते हैं का? ये मिलना मिलना छोड़ जग्गू, हम तुझे लेने आए हैं। और यहाँ क्या हो रहा था तेरे साथ? अगर हम पापा और बिंदी मौसी को ये बात बता दे कि ये लोग हमको तंग कर रही थी, तब तो हमको कोर्ट में जाने ही नहीं देंगे। अरे अरे कुछ नहीं मौसी, उन्हें हम सब खेला खेल रहे थे, इन्हें हमारी सहेली है। ये सब छोड़, चुपचाप बस्ती चल। मौसी, बाबा, ये तुम लोग क्या कह रहे हो? बात को समझ जग्गू, ये लोग तुझको कचहरी ले जाकर ना बहुत बड़ा अपराधी घोषित कर कठोर सजा सुना देंगे बेटा। सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए हरीश। सच्चा वाली काकी? जग्गू, तुमने तो मुझसे वादा किया था ना कि तुम न्याय की लड़ाई लड़ोगी। तुम भी लोगों के साथ भाग रही थी। अरे नहीं सच्चा वाली काकी, हम भाग नहीं रहे थे। हाँ, मतलब हम भाग रहे थे, लेकिन वो बगमास लड़की के पीछे उसका शिकायत करने के लिए हमको डरा रही थी, तो हम यहाँ भाग कर आए। तुम लोग अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी को बुलाओ जल्दी। रहने दो, इन लोगों से कोई खतरा नहीं है, ये बस गलत फहमी और गुमराह के शिकार माँ बाप है। नहीं मैडम जी, हमें ना ही कोई गलत फहमी हुई है, ना ही हम गुमराह है। हम तो भुगत भोगी है। आप इस छोटी बच्ची को गुमराह करके न्याय का चमकीला सपना दिखा सकती है, हमें नहीं। हम जानते हैं कि आपका कचहरी हमारी बेटी को पहले अपराधी घोषित करेगा और फिर बिना बात की सजा देगा। ए, चुप! मैडम से मुंह लड़ाती है? अभी बताते हैं हम तुझे। जग्गू, इधर आओ। जग्गू, तुम्हारे माथे पर जो अपराधी का कलंक है, तुम उसे मिटाना चाहती हो ना? ना बोल दे बेटा, बस्ती चल। बोलो जग्गू, तुम न्याय चाहती हो ना? अपनी बस्ती से अपराधी का कलंक मिटाना है ना? हाँ सच्चा वाली काकी, हमको ये कलंक मिटाना है, हमको न्याय चाहिए। हम लड़ेंगे ये लड़ाई, हम जाएंगे स्कूल, हमको नहीं कहलवाना अपराधी, हम नहीं है चोर, हमने नहीं किया कौन अपराध। हमरे बाबा ने कुछ गलत नहीं किया है, राका काका के बाबा ने कुछ गलत नहीं किया है, हम सब निर्दोष हैं। इसका कमरा बदलिए, इसकी सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। तुम अभी इनके साथ जाओ, हम सब तुम्हें कल कोर्ट में मिलेंगे। अभी आराम करो।